मनी सर, दो सवाल यहाँ पर हैं। एक तो पहला विराट कोहली वाला कि टीम जीत भले गई लेकिन डकवर्थ लुईस नियम आज तक शायद ही किसी को समझ में आया है। 6.5-6.5 के रन रेट से खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जब भारत को टारगेट मिला 8 के रन रेट से उन्हें रन बनाने थे। और दूसरा सवाल इसके बाद, जिस तरह से शिखर धवन ने कहा, ये टीम जैसे खेल रही है एक वक्त में जैसे ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करती थी, आगे चलकर ये भी डोमिनेट ऐसे करेगी? देखिए, वो कह रहे हैं उम्मीद करेंगे कि ऐसे डोमिनेट करें, क्योंकि अभी तक जिन कंडीशंस में आप खेल रहे हो वो सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस हैं। श्रीलंका में चले गए या इंडिया में खेल लिया तो वहाँ पर आपने डोमिनेट किया। हालांकि बहुत डोमिनेटिंग क्रिकेट इंग्लैंड में भी खेली थी, अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन तो जो कॉन्फिडेंस एक्चुअली बढ़ेगा वो साउथ अफ्रीका के दौरे के बाद बढ़ेगा। उस दौरे के ऊपर अगर इंडियन टीम अच्छा खेल के दिखाती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अभी जो क्रिकेट खेल रही है, बहुत डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल रही है इंडिया की टीम, क्योंकि श्रीलंका में जाके जिस तरह से श्रीलंका को हराया, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही श्रीलंका की घटिया सी टीम थी, फिसली सी टीम थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को जाके आबूधाबी में हराया है मैच। सो इतनी भी ख़राब टीम नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो कि हम हमेशा समझते हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स लड़ाके हैं, लेकिन इस सीरीज़ में कोई भी लड़ाई उनकी तरफ से दिख नहीं रही। उसका भी एक कारण अब समझ आ रहा है कि ये इंडियन टीम की डोमिनेटिंग क्रिकेट है, जिस तरह से डोमिनेट करके खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास भी उसका कोई जवाब नहीं। और दूसरी बात जो विराट कोहली ने कही, डकवर्थ लुईस नियम एक ऐसा नियम है कि अचानक से मैच जो आपके पक्ष में हो कब आपके खिलाफ हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। कल हालांकि 48 रन बनाने थे, वो बन भी गए, लेकिन अगर कुछ यहां से वहां हो जाता तो आप जो इसका ठीकरा फोड़ते वो डकवर्थ लुईस पर फोड़ते। देखिए, डकवर्थ लुईस सभी टीमों के लिए एक जैसा है और सभी टीमों को कभी ना कभी एडवांटेज भी होता है, कभी ना कभी डिसएडवांटेज भी होता है, सो उसको तो लेके चलेंगे। लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है, स्माइल करके ये बात कही कि डकवर्थ लुईस उन्हें समझ नहीं आता है। और जैसे आपने भी कहा शुरू करने से पहले, ये सवाल जब आपने शुरू किया था, ये किसी को भी समझ नहीं आता है। ये तो आपको वो हार्ड डिस्क डालनी है और उसमें जो भी आ जाता है उस हिसाब से चलना है। सो आई थिंक सभी टीमों के लिए सेम है और ये सभी टीमें एक्सेप्ट। कल के मैच के अगले अगर देखें और कहें कि हीरो कौन थे तो वो गेंदबाज थे, सही होगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि पहले ओवर में विकेट खो दी थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि ठीक ठाक रन्स बना देगी, लेकिन पिच काफ़ी लो रह रही थी। बॉलर्स के लिए एडवांटेज था, जब पिच लो रहती है, रुक कर आती है, बॉलर्स के लिए एडवांटेज रहता है, लेकिन ऐसी पिचेस के ऊपर भी आपको अच्छी बॉलिंग डालनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि आपके पास दो ऐसे स्पिनर्स हैं, रिस्ट स्पिनर्स, एक लेफ्ट आर्म एक राइट आर्म, उनके 8 ओवर में 39 रन देके अगर वो आपको 3 विकेट लेके दे सकते हैं या 4 विकेट लेके दे सकते हैं, जब 3 विकेट कर लिए थे, सामने वाली टीम के पास उसका कोई जवाब नहीं रहता। आई थिंक ये जो विकेट टेकिंग बॉलर्स आए हैं, बुमराह का एटीट्यूड, भुवनेश्वर की बॉलिंग में इंप्रूवमेंट, ये बहुत बड़ा प्लस है इंडियन टीम के लिए। बल्लेबाज कहाँ फंसेगा ये धोनी शायद सबसे बेहतर समझते हैं। नहीं, और विकेट कीपर को वैसे भी ज्यादा समझ आती है। आप किसी भी टीम में देख लीजिए, कप्तान कोई भी हो विकेट कीपर की तरफ एक बार जरूर देखता है, चाहे वो DRS लेना हो या कोई फील्ड एडजस्टमेंट करनी हो, बॉलर कहाँ डाल रहा है, क्या डालना है, बैट्समैन के पैर कैसे मूव कर रहे हैं, विकेट कीपर को ज्यादा पता होता है, क्योंकि वो बिल्कुल साथ में खड़ा होता है। और धोनी का एक्सपीरियंस भी है। आई थिंक एक चीज है, धोनी को जब ये खिलाड़ी यंगस्टर्स देखते हैं तो उनका ओहदा इतना ऊंचा है, उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि कॉन्फिडेंस भी उन पर बहुत रहे इन खिलाड़ियों को। अगर कोई यही दिमाग सा होता तो शायद कप्तान के पास जाते कि मुझे ये बदलाव करना है, लेकिन कुलदीप की हमने बात की, लेकिन यहाँ पर एक और बात करना चाहूंगा, युजवेंद्र चहल और ग्लेन मैक्सवेल, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये कई बार हमने ऐसा देखा है, कई बार ऐसा होता है कि अगर एक बॉलर आपको आउट करना शुरू कर दे तो आपके दिमाग पर हावी होना शुरू हो जाता है। और कल के मैच में भी अगर आप देखें, चहल की वो बॉल विकेट टेकिंग बॉल नहीं थी, लेकिन 3-4-5 बार उनको आउट कर चुके हैं, तो वो एक माइंड में बात बैठी होती है कि ये मुझे बार बार आउट कर चुका है। और जिस तरह का मैक्सवेल का एटीट्यूड है, मुझे लगता है कि उनकी कोशिश यही रहती है कि मैं बॉल फाड़ दूं, मैं जब भी इनके अगेंस्ट बैटिंग करूं मैं हिट आउट करूं और इनको बिल्कुल गेम से बाहर ही कर दूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये गेम आपको काम रहकर ही जितने रिजल्ट्स मिल सकते हैं ये हमने देखा है, उतने ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, वो मुझे लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं मैक्सवेल, और इसी वजह से चहल बार बार उनको आउट कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनी सर, आप हमारे साथ जुड़े हो। और भारत ने पहला T20 मुकाबला जीत लिया है, अब नजरें हैं दूसरे T20 मुकाबले पर।